हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेली क्विज फॉर द डेट ऑफ 28th of January 2020। हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल ऑन January 19। आपको बताना है इंडिया ने सक्सेसफुली कौन से उस मिसाइल का यहाँ पर प्रैक्टिस करिए जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल है, उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया 19th of January को। ऑप्शंस वज्र 6, अस्त्र 8, K4 या फिर SN19। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, K4 को हमने पिछले ऑलमोस्ट 2 वीक्स में 2 बार टेस्ट कर लिया और ये इंडिया की एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है। नेक्स्ट, इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन इन द रिसेंटली रिलीज्ड EIU's ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019। आपको बताना है कि इंडिया का क्या रैंक था, एक इंडेक्स जिसको रिसेंटली रिलीज किया गया था जो कि ग्लोबल डेमोक्रेसी पे के ऊपर था इंडेक्स। ऑप्शंस क्या, इंडिया का रैंक था 40, 51, 63 या फिर 77। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंडिया का रैंक था 51। तो इंडिया ने यहाँ पर 10 रैंक का ड्रॉप देखा है पिछले साल से, मतलब कि इंडिया की यहाँ रैंकिंग खराब हुई है। थर्ड क्वेश्चन, वट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंट ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 2020। तो फिर से रैंकिंग का क्वेश्चन है कि इंडिया का रैंक क्या था ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2020 में। तो यहाँ इंडिया का रैंक था 72 रैंक था इंडिया का। नेक्स्ट चीज, द थीम फॉर द 10th edition ऑफ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड बाई इंडिया इज। आपको बताना है कि हमने जो रिसेंटली नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया था जिसका 10वां edition था, उस इवेंट का थीम क्या था। ऑप्शंस क्या, इसका थीम था इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन, क्या था असेसेबल इलेक्शंस या फिर नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड या इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, असल में थीम था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मतलब कि पूरा जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए लोगों को, अच्छे से लोगों को पता होना चाहिए इलेक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे पूरे इलेक्शन होते हैं, ताकि हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग हो सके। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, दी वर्ल्ड आर्चरी जो कि इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है आर्चरी की, हैज कंडीशनली लिफ्टेड द सस्पेंशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो वर्ल्ड आर्चरी ने 2019 में यहां पर सैंक्शन लगाए थे, सस्पेंशन लगाए थे एक कंट्री पे, पर्टिकुलर कंट्री पे, जो कि कुछ हद तक उठा लिए गए वापस। आपको बताना है किस कंट्री के साथ हुआ था, ऑप्शंस बांग्लादेश, चाइना, रशिया या इंडिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, असल में इंडिया के साथ हुआ था। अगली चीज, सिक्स क्वेश्चन, विच इंडियन एक्ट्रेस वॉन द क्रिस्टल अवार्ड्स 2020 एट द 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको बताना है वो कौन सी इंडियन एक्ट्रेस है जिनको क्रिस्टल अवार्ड 2020 मिला था, कहां पर, 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में हो रही है। तो आपको उन एक्ट्रेस का नाम बताना है, ऑप्शंस प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या फिर दिया मिर्जा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण को ये अवार्ड मिला है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच कंट्री सक्सेसफुली फेज्ड आउट मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल HCFC-141B। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं ये प्लैनेट अर्थ का एक आप कह सकते हैं एक मैप दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो ब्लू कलर का आपको एरिया दिख रहा है, असल में ये वो एरिया जहां से ओजोन लेयर थी जो हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, वो यहाँ से डिप्लीट होना शुरू हो गई थी, खत्म होना शुरू हो गई थी। क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे थे CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये जो यहाँ पर नाम लिखा है असल में ये भी एक तरह का CFC है। तो एक कंट्री ने रिसेंटली ये डिसाइड किया कि वो HCFC-141B की प्रोडक्शन जीरो कर देंगे। आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है, ऑप्शंस क्या, वो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, असल में इंडिया ने इसकी प्रोडक्शन बिल्कुल रोक दिया। तो हमने फर्स्ट से लेकर सेवन्थ क्वेश्चन कर लिए यहाँ पर जो कि हमारे करंट अफेयर्स के थे। अब हम चलते हैं 8th से लेकर 10th तक जो कि स्टैटिक अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। 8th क्वेश्चन, वट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील। आपको बताना है ब्राजील की करेंसी क्या है। रिसेंटली ब्राजील के प्रेसिडेंट भी हमारी कंट्री में विजिट पाए थे, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, उनकी करेंसी जानना। क्या ये ब्राजीलियन यूरो है या पेसो है या ब्राजीलियन रियल है या फिर लेब है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है ब्राजीलियन रियल। 9th क्वेश्चन, वेन इज द कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व। आपको बताना है हर साल हम लोग कारगिल विजय दिवस किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शंस क्या, ये 28 जून होता है, 24th अप्रैल, 25th मई या फिर 26th ऑफ जुलाई। तो सही आंसर है 26 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कारगिल विजय दिवस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA इज द आर्म फोर्स ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है किस कंट्री की आर्म फोर्स को पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं।
क्या इसका सही आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब यूएई जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, या फिर इसका सही आंसर है जर्मनी, जापान, चाइना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चाइना, जिसकी कैपिटल है बीजिंग। तो असल में चाइना की आर्मी को बोला जाता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। तो थैंक यू सर इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता लगा जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। मैं इस वीडियो को रोज बनाता हूँ आपको, रोज के 10 क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट 7 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर्स के और लास्ट 3 क्वेश्चन रहेंगे स्टैटिक अफेयर्स के। तो रोज आपको मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। आप रोज इस वीडियो को देखिए और आपकी काफी हेल्प करेंगे जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।